नमस्कार दोस्तों, मैं नूत यादव। आज के सेगमेंट में आपको बताने वाला हूँ ब्यू टैब के बारे में। इसके पिछले सेगमेंट में मैं आपको बताया था रिव्यू टैब के बारे में। आज के सेगमेंट में आपको ब्यू टैब के बारे में बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं ब्यू टैब में हम ग्रुप ए के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स व्यू। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स व्यू में हमारे सभी जो कमांड्स हैं आप देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट, स्क्रीन मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्रॉप व्यू। ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के व्यू होते हैं वो क्या होते हैं, 5 व्यूज होते हैं। तो जो हम डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे बना रखा हो उस डॉक्यूमेंट्स को जो आप देखना चाहते हैं, तो उसके एक तो आपका प्रिंट लेआउट है और एक फुल स्क्रीन है और एक वेब लेआउट, एक आउटलाइन और एक ड्रॉप व्यू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारे व्यू होते हैं डॉक्यूमेंट्स के वो क्या होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इस समय जो हमारा करेंट टाइम पर जो हमारा ये डॉक्यूमेंट का जो व्यू है वो कौन सी कंडीशन पर है, प्रिंट लेआउट। तो जो पेज हमारा प्रिंटिंग के मोड पे होता है वो क्या होता है, हमारा प्रिंट लेआउट की कंडीशन पे। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर फुल स्क्रीन रीडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन रीडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हुआ, फुल स्क्रीन। तो ऊपर हमारे सभी जो कमांड टूल्स है वो हमारे यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरीके से आप फुल स्क्रीन और इसको डिटेल मैक्सिमम स्पेस में आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। यदि हम इसको ब्राउजर यानी नेट के मोड पे करना चाहते हैं उसके लिए हमको वेब लेआउट पे जाना होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये हमारा वेब लेआउट मोड पे हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हम आउटलाइन मोड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे आउटलाइन मोड पे हो गया, यहाँ पे हम कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम व्यू टैब में आपने ड्रॉप व्यू। तो ये था दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट्स व्यू। इसके बाद अगले ग्रुप में चलते हैं, वो हमारा क्या है, सो या हाइट। तो दोस्तों ये हमारा सो ऑब्लिक हाइट, ये हमारा ग्रुप है। अब इस ग्रुप में आप देख सकते हैं हमारे ये फोरग्राउंड कमांड हमारे एक्टिव हैं, जैसे हम रूलर, डॉक्यूमेंट्स मैप, ग्रिड लाइंस और थंबनेल्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रूलर एरिया है वो क्या है, हमारा ऐसे हाइट है। यदि आप इस रूलर बार को आप अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले यानी शो करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको रूलर बार में आपको जाकर के इसको टिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो पेज की ब्रॉड है यानी चौड़ाई है, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पेज का पूरा साइज भी दिखा रहा है, वो भी रूलर बार के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मार्जिन की सेटिंग है आप इसको प्रॉपरली यहाँ पर भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। तो ये था हमारा रूलर। इसके साथ साथ अगर हम इसके ग्रिड लाइनिंग एज ए नेट की तरह हमको शो करना है तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइनिंग को भी ऐड कर सकते हैं, और इसको फिर से आपको अनहाइड करना है तो आप यहाँ से अनहाइड और हाइड दोनों भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स हैं हम इसको मल्टी बनाते हैं कॉपी करके, जैसे कंट्रोल ए और सी और बी मैंने यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पर मल्टी पेज हो गए, साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी हो गए। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से देखिए, हम डॉक्यूमेंट्स को मैप के रूप में देखना चाहते हैं तो आप थंबनेल्स करिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट्स जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, देखिए ये हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए हैं, यानी हमारा 4 पेज यहाँ पे रेडी हो गया। तो इस समय हम जो पेज नंबर हमारा क्या है, 4 पे है। अगर आपको 1 पे आना तो आप यहाँ से भी चूज करेंगे तो आप पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से हमने इसको डॉक्यूमेंट्स को मैप और प्लस हमारा ये थंबनेल्स। तो एक एक हम यहाँ पे एक एक जो हमारा सिंबल होता है थंबनेल्स का वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। इस समय हम कौन से पेज नंबर पे एक्टिव हैं, पेज नंबर 1 पे। तो अगला हमारा जो है पेज नंबर 2, इस तरीके जिस पेज पे आप एक्टिव करेंगे वो पेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा ये सो या हाइड ग्रुप्स। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं ग्रुप अगले में व्यू टैब पे, जिसे हम कहते हैं जूम। तो दोस्तों इसको हम पुनः फिर से चेक करते हैं। आइए देखते हैं जूम के ग्रुप में। जी हाँ दोस्तों, जूम के ग्रुप में हमारा जो पहला कमांड है वो क्या है, जूम। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेज यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट्स यानी बना हुआ है यहाँ पे, अब इसका जो विंडो खुला हुआ है इसे हम विंडो आकार ही बोलते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हमारा खुलेगा तो आकार हमारा क्या होता है, विंडो। विंडो के आकार में होता है, इसकी वजह से हमसे विंडो बोलना। तो ये हमारा जूम जो है, तो जूम हमारा जो कमांड है, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप जो इसको देखना चाहते हैं वो उस विंडो का जो आकार करना चाहते हैं, जैसे 2%, 100%। तो जो मेरा नॉर्मल मोड होता है वो क्या होता है, 100% होता है। तो इस तरीके से आप अगर आप चाहते हैं इसके जूम को बढ़ाना चाहते हैं परसेंटेज, तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं
तो ये हमारा नॉर्मल है, इसके लिए आप ओके करें। तो आप देखिए हमारा जो नॉर्मल साइज़ होता है जब हम विंडोज़ को ऑन करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो ये हमारा नॉर्मल ही साइज़ पे रहता है, जिसे हम लोग 100% कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये सिंगल पेज है। अगर टू पेज करते हैं तो इसके अलावा अगर हमारे पेजेस ओपन रहेंगे तो वो हमारे साइड बाई दोनों पेज आपको स्क्रीन पे वन बाई वन करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं टू पेजेस। वापस हमें पेज की फिर वीड में करना है तो आप देखिए पेज के हमारे पूरी चौड़ाई में ये डिस्प्ले कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कमांड। यदि वीडियो हमारा आपको लाइक हुआ तो प्लीज़ अब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। अब अगले सेगमेंट के लिए अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। तब तक लिए बाय बाय।